दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। दोस्तों मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का आधा या आधे से भी कम या पेबल अमाउंट से कम का बिल ऑनलाइन कैसे जमा कर सकते हैं, क्योंकि जब हम फोन पे या गूगल पे या पेटीएम या किसी अदर ऐप के द्वारा बिजली का बिल पे करते हैं तो वहां पर फुल पेमेंट करना होता है, यानी कि आपका जितने रुपए का बिल जनरेट हुआ होगा आपको उतना ही अमाउंट पे करना पड़ता है। तो जो लोग पेबल अमाउंट से कम का बिल ऑनलाइन पे करना चाहते हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का आधे से भी कम अमाउंट पे करके दिखाऊंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर या मोबाइल पर किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे, जैसे कि हमने क्रोम ब्राउजर को ओपन किया है और इसमें टाइप करेंगे google.com और एंटर करेंगे। अब गूगल सर्च में टाइप करना है UPPCL बिल पे और एंटर कर देना है। यहाँ जो सबसे ऊपर वेबसाइट आ रही है www.uppclonline.com, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपने UPPCL पर अकाउंट बना रखा है तो आप अकाउंट में लॉगिन करके भी बिल पे कर सकते हैं। यहाँ लॉगिन का ऑप्शन दिया है, आप इस पर क्लिक करके अकाउंट में लॉगिन करके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, या आप बिना अकाउंट में लॉगिन करे भी बिल पे कर सकते हैं। यहाँ से आपको अपना डिस्कॉम नेम सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमारा डिस्कॉम नेम पश्चिमांचल विद्युत निगम लिमिटेड है, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद बिजली का बिल पे करने के लिए आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप अकाउंट नंबर डालकर बिल पे कर सकते हैं, या जो मोबाइल नंबर आपके बिजली के बिल में रजिस्टर्ड है उसे यहाँ डालकर बिल पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं अकाउंट नंबर डालकर बिल पे करना चाहता हूँ, यहाँ से अकाउंट नंबर ऑप्शन को चूज करके इसमें अकाउंट नंबर डालेंगे। अगर आपको अकाउंट नंबर नहीं पता है तो आप इसे अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पर से देख सकते हैं, बिल पर अकाउंट नंबर दिया होता है। और यहाँ इमेज में जो डिजिट शो हो रही हैं इनका सम करके कैप्चा में डालेंगे और व्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ आपकी बिल डिटेल आ जाएगी, जैसे कि अकाउंट नंबर, आपका नाम, बिल ड्यू डेट, बिल अमाउंट, अमाउंट बिफोर ड्यू डेट, अमाउंट आफ्टर ड्यू डेट और पेबल अमाउंट। आप व्यू बिल पर क्लिक करके बिल की फुल डिटेल देख सकते हैं और बिल डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारा इस महीने का बिल 1348 रुपए का है, जिसे अगर हम 15 तारीख से पहले पे कर देते तो हमें 1335 रुपए ही पे करने पड़ते, यानी कि 1% के हिसाब से 13 रुपए का डिस्काउंट हमें मिल जाता। इसमें ड्यू डेट या ड्यू डेट से पहले बिजली का बिल पे करने पर 1% की छूट मिल जाती है, क्योंकि हम ड्यू डेट के बाद बिल पे कर रहे हैं, इसलिए अब हमें पूरे 1348 रुपए ही पे करने हैं। बट मैं 1348 रुपए पे नहीं करूंगा, मैं आपको केवल 500 रुपए पे करके दिखाऊंगा। यहाँ से पेमेंट टाइप चूज करना है, ड्यू बिल एक्सेस अमाउंट पहले वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर टोटल बिल अमाउंट आ जाएगा, यानी कि जितने रुपए का आपका बिल है यहाँ उतना अमाउंट ऑटोमेटिक ले लेता है। आप इस अमाउंट को एडिट करके कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप कम अमाउंट पे करना चाहते हैं, या आधा बिल पे करना चाहते हैं, या टोटल बिल अमाउंट से ज्यादा पे करना चाहते हैं, तो आप यहाँ उतना अमाउंट डाल सकते हैं। जैसे कि हम 500 रुपए का बिल पे करना चाहते हैं, हमने इसमें 500 रुपए डाल दिए हैं, जो बकाया बिल रह गया है वो नेक्स्ट मंथ के बिल में एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि इस महीने का जो 848 रुपए शेष रह गया है वो अगले महीने के बिजली के बिल में एड होकर आएंगे। यहाँ से पेमेंट मोड चूज करेंगे, आप पेमेंट किस तरह से करना चाहते हैं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, या मोबाइल वॉलेट से, या नेट बैंकिंग या भीम यूपीआई से। जैसे कि हम गूगल पे से पेमेंट करेंगे तो यहाँ से नेट बैंकिंग भीम यूपीआई को चूज करके सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपसे अकाउंट नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई कराया जाएगा। यहाँ अकाउंट नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। पेज को स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ चार्ज और टैक्स के बारे में बताया गया है। नेट बैंकिंग या ई वॉलेट या यूपीआई से बिल पे करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से बिल पे करोगे तो 4000 रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन पर चार्ज देना होगा। इसे रीड करने के बाद सबमिट कर देना है। इसके बाद आपके सामने पेमेंट गेटवे पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको पेमेंट ऑप्शन चूज करना है, नेट बैंकिंग या QR या UPI। हम QR से पेमेंट करेंगे। यहाँ से QR सेलेक्ट करके मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे।
अब प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने QR कोड आ जाएगा, या तो आप यहाँ UPI ID डालकर पेमेंट कर सकते हैं या फिर क्लिक हेयर टू स्कैन पर क्लिक करेंगे। अब इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करेंगे, जैसे कि मैंने गूगल पे से स्कैन करके पेमेंट कर दिया है। पेमेंट होते ही आपके सामने इस तरह की रिसिप्ट आ जाएगी। 19 मई को हमने 500 रुपए का पेमेंट किया है। आप इसे प्रिंट करके रख सकते हैं या कंप्यूटर या मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं। आपकी ईमेल आईडी पर इस तरह का ईमेल आ जाएगा कि आपने 19 मई को 500 रुपए का बिल का भुगतान किया है। तो इस तरह से आप बिजली का आधा बिल या आधे से भी कम बिल पे कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।